हेलो एवरीवन, फर्स्ट इंडिया प्लस और द वर्टिका शो में वर्टिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। कुछ चीज़ें ना हमें ऐसे नोट डाउन कर लेनी चाहिए, कभी कभी ना हम भूल जाते हैं, और ये चीज़ें बनाने में बहुत आसान होती हैं और एक इन चीज़ों की वजह से एक वैरायटी बन जाती है और साथ में अच्छी भी होती हैं। और कभी कभी तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हेल्दी ऑप्शन मिल जाए, टेस्टी मिल जाए और अच्छा मिल जाए तो भाई फिर क्या कहना। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो जिन्हें आप लंच में, डिनर में, एज अ ब्रेकफास्ट, एज अ कभी शाम की मंचिंग जैसा होता है ना, उसमें भी यूज़ कर सकती हैं। तो मल्टीपर्पज़ है और मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ चावल पालक की मुठिया, और ये बहुत अच्छी बनती है। और इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है, थोड़ा बहुत जो समय लगता है वो उसको स्टीम करने का लगता है। तो चावल इसमें ऑप्शनल है, टोटली चाहें तो पालक की भी बना सकती हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है हमारा देसी जुगाड़, यानी कि पैन में मैंने पानी भर दिया है। आप भगोने में ले सकते हैं और आप चाहें तो स्टीमर का यूज़ भी कर सकते हैं। और वैसे मैं अक्सर स्टीमर में ही बनाती हूँ, आराम से प्लग किया और एक तरफ वो बनती रहती है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर आपके लिए पैन में पानी, एक ये हमारा देसी जुगाड़ है। तो मैंने ये लिए, ये पालक और धनिया है, इसमें मैंने धनिया भी ऐड किया है थोड़ा सा, और ये पालक है और ये बने हुए चावल है। तो आप कभी बने हुए चावल का भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकती हैं। इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक चम्मच अदरक का पेस्ट, दो चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, तीखी चटपटी मज़ेदार बनाते हैं इसको। और ये है गार्लिक पेस्ट, पर ये ऑप्शनल है, दो चम्मच मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट, हल्का सा इसमें जीरा 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी सौंफ, ये मोटी वाली सौंफ है, और ये है मोटा कुटा धनिया, साथ में थोड़ी सी सीजनिंग कर देते हैं, आधा चम्मच नमक है, हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च है 1/4 चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला है, या आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने इसमें एक चम्मच, अभी एक टेबल स्पून बेसन लिया है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम और डाल लेंगे। ठीक है, हल्की सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च का पेस्ट भी है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें बाइंड करना है और मुठिया का शेप देना है। ठीक है, हल्की सी हींग हम अभी डाल रहे हैं, बाकी थोड़ी सी तड़के में डाल देंगे, और ये बहुत ज़रा था, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1/4 टीस्पून से भी कम मीठा सोडा, और एक बहुत ही ज़रा सा हम इसमें लेंगे ऑयल, एक चम्मच ऑयल। तो अब हमें इसको अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करना है, बाइंड करना है, मुठिया की शेप देनी है। तो जब भी आप इस तरीके का काम करें तो हमेशा मेक श्योर जो आपके हाथ हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ होने चाहिए, या फिर आप ग्लव्स का यूज़ करें। ठीक है, सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं। इसमें जो हमने ये चावल ऐड किए हैं, बने हुए चावल हैं, इसका इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी देखिए, अभी इसमें थोड़ी सी बेसन की हमें रिक्वायरमेंट और लग रही है, क्योंकि पालक जूसी होता है, उसमें अपना ही पानी होता है, तो इसमें थोड़ा सा हम बेसन और ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें गेहूं का आटा भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मुझे पालक और बेसन का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बाजरे का आटा भी ऐड कर सकती हैं अगर विंटर टाइम है। आप कोई सी भी मल्टी, दो तीन तरीके के आटे भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से एकदम परफेक्ट मुठिया की शेप आ चुकी है। आप इसमें लंबा सिलेंडर टाइप से शेप दे सकते हैं, मैं इस तरीके की देती हूँ। तो ये देखिए, अब हमें और बाइंडिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए इसकी मुठिया बनाते हैं और फिर स्टीम करने रखते हैं। तो ये पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया और ये मुठिया देखिए मैंने इस तरीके से बना ली है, और मैंने जो चलनी थी इसको मैंने अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया था। ठीक है, और इसको कवर कर देते हैं। तो ये इस तरीके की पालक की मुठिया, ये देखिए, क्योंकि स्टीम होने में हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो ये मैंने कुछ पालक की मुठिया पहले से बना रखी थी और जस्ट इसको मैंने कट कर लिया। आपकी जैसी मर्जी है, आप इसको वैसे कट कर लीजिए। तो चलिए, इसमें हम हल्का सा लगाते हैं तड़का,
बहुत ज़रा सी राई, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, राई क्रैकल होने लग गई है। राई का क्रैकल होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ये कुछ सूखी लाल मिर्च है, मीठा नीम, फ्रेश मीठा नीम है ये, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और साथ में ये थोड़ा सा सफ़ेद तिल, थोड़ी सी हींग, अब जो ये मुठिया हमने तैयार करी हैं ये सब चीज़ें चटक गई हैं, तभी जो मुठिया है वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो आप इस पालक की मुठिया में बहुत सारे वेरिएशन कर सकती हैं, जैसे मैंने पालक की बनाई है, आप मेथी चावल की बना सकती हैं, आप मेथी के साथ मटर ऐड कर सकती हैं, आप दो तीन तरीके की पत्तियां ऐड कर सकती हैं, और चावल इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करने तो आप करें वरना अवॉइड भी कर सकती हैं। बाइंडिंग के लिए मैंने बेसन का यूज़ किया, बेसन और आटा यूज़ कर सकती हैं, बेसन बाजरा, मतलब मल्टीग्रेन, किसी भी तरीके का ग्रेन जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खाना है, लेकिन मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है ये बेसन का और पालक का, तो मैंने इसलिए इसमें आटा यूज़ नहीं किया है। और साथ में जब भी मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो भी मैं मसाले डालती हूँ मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जो मुझे ठीक लगता है, लेकिन हमेशा मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसका एक तड़का बना दिया और ये रेडी हो चुकी है, आइए इसको सर्व करते हैं। चलिए इस मुठिया को अरेंज कर लेते हैं। तो ये मुठिया और साथ में एकदम चटपटी सी ना मैंने ग्रीन धनिया होता है उसकी चटनी बनाई है, ग्रीन डिप, यानी कि हमारी इंडियन हरे धनिए की चटनी, उसके साथ ही बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली बोल रही हूँ, ये बहुत अच्छा बना है। और साथ में अगर आप चाहें तो जो दाल होती है, दाल के साथ भी आप इस मुठिया को खा सकते हैं, एकदम कंप्लीट आपका खाना हो जाएगा। तो ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ करें, ये रेसिपी ऐसी है, छोटे मोटे फ्रेंड सर्कल भी आए हुए हैं, आप उसमें भी इसको सर्व करें। तो चलिए ये एक अच्छा सा हेल्दी ऑप्शन आप सबके लिए, जो है भी लाजवाब।